दिल को बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझको भी अब इतना आसान न समझा जाए। दिल को बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझको भी अब इतना आसान नहीं समझा जाए। मैं भी बेटे की तरह जीने का हक मांगती हूं, मैं भी बेटे की तरह जीने का हक मांगती हूं, मुझे बेटे की तरह जीने का अधिकार चाहिए। मैं बेटी हूं, मुझे सम्मान चाहिए, इसे गद्दारी का ऐलान ना समझा जाए। मैं भी बेटे की तरह जीने का हक मांगती हूं, एक गद्दारी का ऐलान ना समझा जाए। अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, सिर्फ बेटियों को ही मेहमान ना समझा जाए। बेटियां भगवान का सबसे बड़ा वरदान है, बेटियां घर में पुरानी खिड़कियों को खोलती है, बेटियां घर में हो तो घर की दीवारी बोलती है। बेटियों ने घर का हरदम नाम ही रोशन किया है, मीरा बनके जहर का प्याला पिया है, हाथ में तलवार लेकर लक्ष्मी बाई बनी है, इंदिरा बनके समूचे विश्व के आगे तनी है। ऐसमन सौंदर्य के सारे जहां को जीत लाई, श्रेयसी बन के खेल के मैदान में भी खिल खिलाई। सुन लता मंगेशकर सुर के समंदर डोलते हैं, मूर्ख है जो बेटियों को बेटों से कम तौलते हैं। तालियां मोहब्बत का रंग जानती है। अब देखिए आप, पिंटू भाई ने मंटू जी जो जिला पार्षद हैं, ये बेटी महोत्सव किसान महोत्सव में भी तब्दील हो जाएगा। किसानों की सेवा करने का मौका ईश्वर आप लोग को दे, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। और जिस आशय के साथ यहाँ धारूपुर वाले भैया लोग बैठे, जो चैतोत्सव बड़ा शानदार कराते हैं, लेकिन एक ऐसी शख्सियत बैठी है इन सारे कलाकारों को जो मंच पर विराजमान है, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। मुकेश ने बहुत अच्छा बोला है, विक्की मेरे बड़े प्यारे भाई है, सब लोग आपको आनंद देंगे। ये छोटे गुरबुरी से है, बैठ जाओ बाबू। चंदन है, दीपक तिवारी है, और ये टीम जो बैठी है कपिल शर्मा शो की, मैं आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और जिस शख्सियत को आमंत्रित करता हूँ वो गोपाल है। गढ़ा महोत्सव जिन्होंने कराया, और इसके बाद महोत्सव का दौर जिन्होंने शुरू किया, बेटियों की श्रृंखला को जिस महोत्सव के माध्यम से वो लंबा करेंगे, यानी गीतों की ऐसी प्यारी प्यारी उनके पास है कि जब वो गाएंगे तो महोत्सव बड़ा हो जाएगा। लेकिन उसके बड़ा होने से पहले मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि गोपाल राय गंगा की धरती से आए, गोपाल राय राम की शिक्षा भूमि से आए हैं, गोपाल राय विश्वामित्र की तेज को लेकर के आए हैं। इसलिए वैसे गोपाल राय का अभिनंदन एक बार दोनों हाथ उठा करके जोरदार तालियों से आप सम्मान करें। और एक प्रार्थना करता हूं, जितने लोग बेटियों से मोहब्बत करते हैं, मोबाइल का टॉर्च एक बार जलाता, जिनके पास मोबाइल है जरा निकाल लीजिए, मैं गोपाल राय को खड़ा करूंगा। लेकिन एक बार मोबाइल सब लोग जला दें, ये आप अपना वाला बता दीजिए थोड़ा सा, एक मिनट यदि आपके बस में हो। कितने लोगों के पास मोबाइल है, जरा बेटियों के सम्मान में जला दीजिए दिया। मैं गोपाल राय से शुरू करना चाहता हूँ। गोपाल राय जब गाएंगे तो गोपाल राय जी के नाम से ही बेटी महोत्सव एक नई ऊर्जा के साथ संचालित हो जाएगा। बैठे हैं राज बहादुर राय साहब, बिजली रानी जी, सब लोग आए, निशान सब बच्चे बच्चे हैं। इतना ही मोबाइल है मेरे देश में, इतना ही मोबाइल है। डिजिटल वालों, तुम ऐसे लाइव कर रहे हो जैसे नरेंद्र भाई मोदी का तुम लाइव प्रसारण कर रहे हो। इतना कैमरा लगा है, एक इतना बड़ा कैमरा लगा है, लेकिन एक भी व्यक्ति, आप सब कैमरा खामोश मत करना, जीवन में तुम सब रिकॉर्ड करना, लेकिन गोपाल राय की इस गीत को दुनिया तक पहुंचाना, क्योंकि बेटियां जीवन की सबसे बड़ी वरदान है। दोनों हाथ ऊपर उठा दीजिए, सभी लोग उठाएंगे, और जीवन मोबाइल का टॉर्च दिखा करके सम्मान बढ़ाया है। बड़े भाव से कहता हूं, मंच को प्रणाम है, आपको राम राम है, जिसने जतन किया उसको नमस्कार है। सारे गम भुलाइए, सारे भेद मिटाइए, बेटियों के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मैं खड़ा करना चाहता हूं, और एक धूम के साथ जरा मोबाइल को बंद कीजिए, डिजिटल उपवास कीजिए, और दोनों हाथ को जरा खड़ा कर लीजिए। जिसको मां ने हाथ दिया है खड़ा कर लेगा। वनवन भैया थोड़ा सा महोत्सव बना देना, फिर भैया थोड़ा सा, ये मेरे नहीं, आप तो हाथ उठाएंगे तो देश स्वतंत्र हो जाएगा। जितने साजबाज बनवाने हैं भैया, वोटिंग के दिन हाथ मत उठाना, दबाना सीखना, उस दिन वोट भी देना है, वोट भी दे दीजिए।
बेटी मौत। जरा पूरा पूरा हाथ उठा दिए सब कोई आप लोग भैया। मैं मानता हूं कि आप लोग महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। मैं मानता हूं मैं आपसे ताली बजवाना नहीं चाहता क्योंकि आप बड़े शानदार लोग हैं, लेकिन बेटियों के सम्मान में ताली बजा दीजिए। भारत अपनी ऊर्जा को प्राप्त करे, अभी मत बजाइए, पूरा पूरा खड़ा कर लीजिए, सबको यहाँ खड़ा करेगा आप सब लोग। इसके बाद तो डांस वांस सब होगा, लेकिन गोपाल भाई जी को बुलाने का तरीका नया कर दीजिए। जरा महफिल को जवान दीजिए, पूरा पूरा हाथ उठाइए, भारत माता के लिए उठाइए, अपने संतान के लिए उठाइए, ऊर्जा और शौर्य के लिए उठाइए। जरा पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है, तुम्हारे पास आता हूँ जमाना रुक जाता है, इसे रुकने मत देना दोस्तों। जरा पूरा पूरा हाथ उठाइए सब लोग, जरा एक बार धूम बजा दीजिए भैया, पूरा पूरा सब पूरा ताली जवान की से बहुत बहुत सम्मान। अब खड़ा करता हूं भोजपुरी के यशस्वी कलाकार को। राम दवा है रोग नहीं है जगवालो, राम सत्य है सूत नहीं है जगवालो, राम हुआ है नाम लोक हितकारी का, रावण से लड़ने वाली खुददारी का। राम मिले शबरी के झूठे बेरों में, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को, राम मिले हैं मंदिर के गारों में। ये राम मैं जीवन जीने का जो सलीका है, रस्य राष्ट्र मत्स्य मंगल करने वाला जो राष्ट्र का मंगल करता है वही राम है। उस राम की धारा को जिस शख्सियत ने अपने हृदय में उतारा है उसका नाम है गोपाल राय। जोरदार ताली बजाइए आदरणीय श्री गोपाल राय जी। हेलो, धन्यवाद रविरंजन भाई। बेटी महोत्सव बड़ी यूनिक अद्भुत महोत्सव बाटे। दुनिया में महोत्सव तो बहुत होला, बाकी बेटी के नाम पर महोत्सव ये अपने आप में अकेला बा। भाई पिंटू जी मंटू जी आप सबके पूरा जितना कार्यकर्ता बन ढेर सारा बधाई और शुभकामना देव बनी। मंच पर उपस्थित तमाम कलाकार सबके ढेर सारा स्वागत अभिनंदन। आई चूंकि नवरात्र के पहला दिन बाटे ऐसे माई के वो भी सुनाओ तनी, एक बात बेटी के गीत हम सुनाए फिर जैसा ना देश उतर के गीत गावल जाए। हेलो हाँ
नित्य जवना चरणन के पूजते अइले संत महामुनि ज्ञानी माथ नवाके करे बिनती सौसे इंदर के राजधानी घूमत धरती सो नज चंदा ग्रह नक्षत्र बिन में बिन बानी आज तो है माए आए के राखी लपा एक बार बोली देवी मैया माई के वो स्थिति